हेलो नमस्कार, आज हम बनाएंगे बेसन के पकौड़े की कढ़ी। उसमें ये सामग्री लगेगी, ये मेथी, हींग, हल्दी, नमक, बेसन और ये दही। ये 2 कप दही है और 1.5 कटोरी बेसन और ये पानी। अब हम ये पकौड़े के लिए बेसन तैयार करेंगे, तो इसमें हम डालेंगे नमक, और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी डालेंगे। इसको तब तक करेंगे, इसके गुठली ना रहे, एकदम चिकना कर लेंगे इसको। ये देखिए हमारा घुल के तैयार हो गया है बेसन। इस तरह के हमको चाहिए बनाने के लिए पकौड़ियाँ। 10 मिनट तक हमने इसको फेंटा है, अब हम इसको पकौड़ियाँ तलेंगे। देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें पकौड़ी तल लेंगे। तो देख लेंगे, चेक करेंगे कितना गरम है, इसे करके देखिए। हाँ गरम हो गया है, तो हम इसमें पकौड़ियाँ डालना शुरू करते हैं। थोड़ी धीमी आंच पे ही बनाएंगे, जिससे ये फूल जाए। तेज आंच में इसमें अंदर नहीं सिकती हैं, इसलिए धीमी आंच पे इसको बनाएंगे। ये हमारी जब तक तल रही है, इधर हम देखिए, इधर हमारी पकौड़ियाँ सिक रही हैं, उधर हम उधर हम छौंक लगाते हैं कि हींग डालेंगे पहले और मेथी डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी। एक ग्लास इसमें पानी डाल दिया, अभी जब खौल जाएगा तब इसमें हम घोल डालेंगे, बेसन का घोल, बेसन और दही का घोल डालेंगे। देखिए हमारी पकौड़ियाँ तल के तैयार हो गई हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, अब इतना बेसन बचा है इसमें और इस बेसन से हम उसका घोल बनाएंगे। देखिए इसमें, देखिए अब इसको चलाते ही रहना है, नहीं तो ये फट जाएगा। दही पड़ा हुआ था वो चलाएंगे, जब तक ये खोल नहीं आ जाएगा इसमें तब तक इसको हम चलाएंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी जो है खोल गई है, अब इसे 10 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। 10 मिनट के बाद इसको पकौड़ी वकौड़ी डाल के तैयार करेंगे, 10 मिनट पे धीमी आंच पे पकने। ये देखिए 10 मिनट हो गए, हमारी कढ़ी बन के तैयार है। हम इसमें थोड़ा नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार,
मलाई जम गई किनारे किनारे, और बस इसका ख्याल रखना है कि जब तक ये खोल ना जाए, दही और बेसन जब तक खोल नहीं जाता ये, तब तक हम इसको चलाते रहना, नहीं तो ये फट जाएगी। तो देखिए बिल्कुल तैयार है, बस इसमें हम पकौड़ी डालेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार है, अब हम इसे गार्निश करेंगे मिर्च से। और थोड़ी धनिया पत्ती डालेंगे। ये हमारी तैयार हो गई है, आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी।